A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying the story With That Photographer by Stephen Leacock. This story is for class 9th and 10th ICSE. Okay, so starting with, now he was an author जिसने ये story लिखी है और ये story उसका खुद का first narrative है जो वो अपनी कहानी बता रहा होता है, एक incident जो वो बता रहा होता है. This is the photographer. You can see कि मतलब ये एक बहुत बड़ी सी मशीन होती है जिसका यहाँ पर शो किया गया है. Something this kind of scene could be there. ये ऐसा करके पूरा सिनारियो हो सकता है कि वो इंसान जो है वो दूर बैठा है और यहाँ पर एक बड़ी सी मशीन है फोटोग्राफी वाली और ये आप साइड में लाइट्स एंड ऑल देख सकते हो. ओके, तो स्टार्टिंग विद द स्टोरी मीन्स कि स्टोरी किस चीज के बारे में है. तो स्टीफन लेकॉक, ही वाज अ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज राइटर. ही हैज रिटन मेनी प्रोज पीसेस. ऑल हिज पीसेस आर नोन फॉर हिज सबटल ह्यूमर, कि उसमें बहुत माइल्ड सा हल्का फुल्का सा ह्यूमर होता था. एंड दे टॉक अबाउट रियल लाइफ सिचुएशंस, और एक्चुअल में जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं उनके बारे में इनकी जो स्टोरीज हैं वो बात करती थी. इन द सेंस उनकी स्टोरी जो है इसी चीज से रिलेटेड होती थी. नाउ मूविंग टूवर्ड्स की स्टोरी किस चीज के बारे में, ये जो स्टोरी है इट इज टेकन फ्रॉम द लिटरेरी कलेक्शन बाय स्टीफन लेकॉक दैट वाज टाइटल्ड बिहाइंड द बियॉन्ड एंड अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन नॉलेज. मतलब इस का जो एक कलेक्शन था नंबर ऑफ स्टोरीज उसी का ही एक हिस्सा है विद दैट फोटोग्राफर. द ऑथर वॉन्ट्स टू गिव हिज फोटो टू हिज फ्रेंड्स. ये जो ऑथर है मतलब स्टीफन लेकॉक, इन्हीं के ये अपने एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात की गई है कि ये अपने फ्रेंड्स को अपनी एक फोटो देना चाहते थे सो दैट वो उनको याद रख सके आफ्टर हिज डेथ. बट जो पर्पस था इट वाज डिफीटेड, मतलब कि जो जिस रीजन से वो फोटोग्राफर के पास गया था फोटो क्लिक करवाने के लिए वो पर्पस पूरा नहीं हो पाया क्योंकि फोटोग्राफर ने क्या किया, इनकी फोटो को ही ऑल्टर कर दिया. यू कैन सी अभी भी आप जैसे फिल्टर्स अगर यूज करते होगे या कोई और यूज करते होगा आप देखोगे उसमें कि दिस इज हाउ थिन दिस इज शोन समटाइम्स, आईब्रोज, हेयर, फेस, इवन आईज इवन, तो बहुत डिफरेंस शो कर दिया जाता है, ऑल्टर कर दिया जाता है सो दैट द पर्सन और ज्यादा अट्रैक्टिव ब्यूटिफुल लगे. तो वैसे ही उसकी भी जो फोटोग्राफर है उसका भी फोटो को वो चेंज कर देता है सो दैट वो बेटर लगे. बट इट रिजल्ट्स इन बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द ऑथर्स अपीयरेंस. बट उससे क्या होता है, ऑथर कहता है कि ये तो मैं हूं ही नहीं, तुमने फोटो को तो बहुत सुंदर बना दिया बट ये मैं नहीं हूं. तो व्हाट द पर्पस जिसके कारण मैं यहाँ पर आया था वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया. ओके, तो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द स्टोरी. आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टेकन. नाउ यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो ऑथर है वो आते हैं किसके पास, फोटोग्राफर के पास. फोटोग्राफर ही इज अननेम्ड. ओके, और यहाँ पर वो फोटोग्राफ, वो ऑथर कहता है कि आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टेकन कि प्लीज क्लिक अ पिक्चर ऑफ मी. आई सेड द फोटोग्राफर लुक्ड एट मी विद विदाउट एंथुजियाज्म. तो उसने, फोटोग्राफर ने उसकी तरफ देखा बिना बहुत ज्यादा एनर्जी दिखाए हुए, खुशी दिखाए हुए. ही वॉज अ ड्रूपिंग मैन. ड्रूपिंग ऐसे करके जो थोड़ा सा बेंट होते हैं, दे आर द ड्रूपिंग पीपल. तो उसने कहा, उसने बोला दैट ही वाज अ ड्रूपिंग मैन. ग्रे सूट उसने पहना हुआ था विद अ डिम आई ऑफ अ नेचुरल साइंटिस्ट. डिम आई ऑफ नेचुरल साइंटिस्ट, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक नेचुरल साइंटिस्ट के जैसा ही हो वो, हु मेक्स एक्सपेरिमेंट इनटू थिंग्स. बट देयर इज नो नीड टू डिस्क्राइब हिम. बट वो इतना वर्दी नहीं कि हम उसको डिस्क्राइब करें यहाँ पर. एवरीबडी नोज कि फोटोग्राफर जो होते हैं वो कैसे होते हैं. Sit there, he said and wait. उसने बोला मुझसे कि वहां पर बैठ जाओ और इंतजार करो. मैं एक घंटा वहां पर बैठा. I waited for an hour. I read. मैंने क्या क्या पढ़ा, लेडीज कंपेनियन फॉर 1912 की जो स्टोरी थी वो, मतलब मैगजीन थी वो पढ़ी. द गर्ल्स मैगजीन फॉर 1902 एंड द इन्फैंट जर्नल फॉर 1888. यू कैन लर्न दीज नेम्स की हाँ एक आध मैगजीन जो उसने पढ़ी हो. आई बिगैन टू सी दैट आई हैड डन unwarrantable thing in breaking on the privacy of this man's scientific pursuits with a face like mine. तो वो कह रहा है कि उसको ऐसा लग रहा था कि मेरा फेस इतना अट्रैक्टिव नहीं है और हो सकता है कि इसके कारण क्या हुआ है, दैट द फोटोग्राफर हैज, मतलब ही फेल्ट दैट हिज अपियरेंस हैज इंटरप्टेड द मैन्स प्राइवेसी ऑफ परफॉर्मिंग हिज साइंटिफिक रिसर्च. कि पर्सन
एक्सपेरिमेंट, जो फोटोग्राफर है वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है इसके फेस से, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फेस वैसा है नहीं जिसके ऊपर इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया जा सके। ही रियलाइज, देखो यहाँ पर उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, दैट ही रियलाइज कि उसका जो फेस है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, कि पहली चीज की फोटोग्राफर बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हो उसकी फोटो लेने के लिए, एंड उसको ये भी लगा कि ही फेल्ट His appearance has interrupted the man's privacy of performing scientific research. उसका appearance ऐसा है कि अगर person जो है वो कुछ scientific research कर रहा हो तो उसमें भी interruptions होगा because he is not so attractive. एक घंटे के बाद photographer ने finally जो inner door है उसको open किया, जहां पर वो बैठा होगा, उसने मुझे बुलाया, come in, he said severely, बहुत ही सीरियसली उसने मुझे बोला कि यहाँ पर आ जाओ। I went into the studio, मैं स्टूडियो में अंदर गया। Then he said, sit down, said the photographer. उसने बोला मुझे बैठ जाने के लिए। I sat down in the beam of sunlight, filtered through a sheet of factory cloth hung against a frosted skylight. There was a frosted skylight. ये एक शीट थी वहां पर लगी हुई थी, और फैक्ट्री, ठीक है, क्लॉथ यहाँ पर ऐसे करके पूरी शीट लगी हुई है, और उसी के ही पास में बैठा हुआ जहां से वो जो लाइट है, विंडो की जो लाइट है उससे वो थोड़ी सी छुप जाए, मेरे फेस पे जो पड़ रही हो वो थोड़ी सी छुप जाए। इन अ बीम ऑफ सनलाइट, हल्की सी रेशे पड़ रही थी, दैट वाज फिल्टर्ड, छन के आ रही थी वो थ्रू अ शीट ऑफ फैक्ट्री, जैसे कुछ आप बहुत ही हल्के कपड़े के कर्टन्स लोगे तो कर्टन्स के पार भी रोशनी आ रही होती है। वही उसने बोला है कि बीम ऑफ सनलाइट जो इस कॉटन के जो टंगा हुआ है उससे आ रही थी अगेंस्ट अ फ्रॉस्टेड स्काईलाइट, स्काईलाइट के अगेंस्ट यहाँ पर मेरे फेस पे वो पड़ रही थी। द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन इनटू द मिडिल ऑफ द रूम एंड क्रॉल्ड इनटू इट फ्रॉम बिहाइंड। तो क्या बोला गया इसमें कि लेट मी सी इफ, ऐसे करके, ठीक है, एक बहुत ही मतलब पहले जमाने की जो फोटोज होती थी वो ऐसे ही होती थी। तो बोला है कि वो मशीन को लेकर के आया, मतलब बहुत एग्जैक्ट पिक्चर तो मुझे नहीं मिली है, बट वो मशीन को लेकर के आया जिससे फोटोग्राफी करनी थी, उसको मशीन को वो घींचते हुए वहां से लेकर के आया। उसके बाद उस मशीन के अंदर जा करके उसको फोटो क्लिक करनी थी, तो वो उसके अंदर गया एंड क्रॉल्ड इनटू इट फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से जो मशीन है उसके पीछे से वो अंदर गया। ही वॉज ओनली इन इट इन अ सेकेंड, वो कुछ बस पल भर के लिए उस मशीन के अंदर गया जो फोटोग्राफी वाली मशीन थी, जस्ट इनफ टाइम फॉर वन लुक एट मी, बस एक पल के लिए, सो दैट वो मुझे फोटोग्राफी की जो मशीन है उसके अंदर से देख सके, ठीक है, एंड देन ही वॉज आउट अगेन, फिर वो वापस बाहर आ गया, टियरिंग द कॉटन शीट एंड द विंडो पेन्स। उसके बाद उसने क्या किया, फिर बाहर निकला, जो कॉटन शीट थी जो ऐसे करके टंगी हुई थी ना, अभी आई शोड यू अ पिक्चर ऑफ इट, ये वाली जो पूरी शीट है ऐसे करके, ये वाइट क्लॉथ या कोई भी क्लॉथ वहां पर टंगा हुआ हो रोशनी के लिए, रोशनी को हाइड करने के लिए, तो उस शीट को हटाते हुए, विंडो पेन्स को ओपन करते हुए, सो दैट कि वहां से थोड़ी सी लाइट उजेला और थोड़ा सा एयर वहां से आए, मतलब उसको फोटोग्राफर को, फोटोग्राफर जो था, अगर वो किसी क्लाइंट, ये जो पर्सन है ऑथर जो आया है फोटो खींचने के लिए, उसको लग रहा था कि फोटोग्राफर को कि अभी लाइट बहुत अच्छी नहीं पड़ रही है, तो वो विंडोज और क्लॉथ जो है वो सब हटा रहा था हुक्ड स्टिक के साथ, एक स्टिक जिसमें ऐसे करके हुक्स बने हुए हैं, सो दैट आप उससे हटा सको जो भी कर्टन्स हैं। देन ही क्रॉल्ड बैक इनटू द मशीन, फिर वो मशीन के अंदर वापस चला गया, ड्रू अ लिटिल ब्लैक क्लॉथ ओवर हिमसेल्फ, और उसने क्या किया, फिर ऊपर से एक ब्लैक कलर का क्लॉथ उसने अपने ऊपर पहन लिया। दिस टाइम ही वॉज वेरी क्वाइट इन देयर, वो काफी समय तक अंदर बैठा रहा। आई न्यू दैट ही वॉज प्रेइंग एंड आई केप्ट स्टिल, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो वहां पर कुछ प्रे कर रहा है और मैं वहीं पर ही बैठा रहा, मैं वहां से हिला भी नहीं। विद दैट, व्हेन दैट फोटोग्राफर केम आउट एट लास्ट, ही लुक्ड वेरी ग्रेव एंड शुक हिज हेड, वो जब उसके बाद बाहर आया वो बहुत सीरियस लग रहा था, और उसने अपना हेड शेक करके बोला, द फेस इज क्वाइट रॉन्ग ही सेड। अब यहां से लेकर के आपके जो इंपॉर्टेंट कोट्स है वो शुरू होते हैं, ठीक है, कि वेर एवर द पोएट, सॉरी द फोटोग्राफर हैज डिस्क्राइब्ड
डिसरिस्पेक्टेड द ऑथर, या उसके फेस पर, उसके बॉडी पर कभी कहीं पर भी उसका अगर कमेंट किया गया तो उस चीज को यहाँ पर बोला गया है। तो इसमें कहा गया है, फर्स्ट थिंग उसे बोला कि ये जो फेस है कुछ खास नहीं है, मतलब फोटोजेनिक फेस नहीं है, थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए। ही आई नो, आई आंसर क्वाइटली, मैंने बोला, ऑथर कहते हैं हाँ मुझे पता है, आई हैव ऑलवेज नोन इट, कि मुझे ये चीज हमेशा से ही पता है कि हाँ ठीक है मेरा फेस जो है वो अच्छा नहीं है, ऑथर कहता है वापस। तो ही साइड, सांस ली उसने, आई थिंक द फेस वुड बी बेटर 3/4 फुल। अगर ये एक तुम्हारा भरा पूरा फेस है तो इसका सिर्फ इतना हिस्सा, इसको हटा दो, इतना, एक मिनट लेट मी जस्ट मेक इट बिट स्मॉलर, हाँ, तो इसका सिर्फ इतना हिस्सा फेस होना चाहिए था, मेरे पूरे फेस का सिर्फ 3/4 हिस्सा होना चाहिए था, मेरा फेस और थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था। उसके कहने का मतलब ये कि फेस वुड बी बेटर अगर वो 3/4 फुल होता, पूरे फुल फेस का सिर्फ 3/4 होता, 3/4 हिस्सा होता, 3/4 होता, 1/4 नहीं होता। तो वो कहता है, ऑथर कहता है आई एम श्योर इट वुड, कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, आई एम प्रिटी श्योर कि ऐसे ही होना चाहिए था। आई सेड एंथुसियास्टिकली, फॉर आई वॉज ग्लैड टू फाइंड दैट द मैन हैड सच अ ह्यूमन साइड टू हिम। तो मैं इस चीज से, अभी इसका स्टार्टिंग वाले रिएक्शन है, अभी बाद में ही गुस्सा है कभी, तो मैन जो ऑथर है वो, मैं बहुत ही एनर्जेटिकली मैंने उसको बोला कि मैं खुश था, तो मैंने उसको बोला कि हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हो, और क्योंकि मैं इस चीज से खुश था कि जो मैन है कम से कम उसका एक ह्यूमन साइड भी है, वो सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं है, वो रिएक्शन दे सकता है चीजों पर। सो वुड योर्स इन फैक्ट, तो ऑथर उस पर पलट के जवाब देता है कि हाँ तुम्हारा फेस भी ऐसे ही है, और तुम्हारा भी अगर 3/4 होता, इसका 3/4 हिस्सा होता तो वो बेटर होता। तो वो भी पलट के यही जवाब देता है। आई कंटिन्यूड, हाउ मेनी फेसेस वन सीज दैट आर अपेरेंटली हार्ड, नैरो, लिमिटेड, बट द मिनट यू गेट देम 3/4 फुल, दे गेट वाइड, लार्ज, ऑलमोस्ट बाउंडलेस। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे फेसेस देखते हैं जो कि कैसे होते हैं, दे आर लाइक हार्ड, दे आर नैरो, दे आर लिमिटेड, ठीक है, बट एक बार अगर आप उन्हीं फेस को देखते हो, when you get them, when you see them 3/4 full, तो वो आपको और वाइड लगते हैं, लार्ज लगते हैं, ऑलमोस्ट बाउंडलेस लगते हैं। मतलब दिस इज समथिंग कि वो ऐसे करके बता रहे हैं कि अगर जरूरी नहीं कि आई वुड लुक इवन हैंडसम और अट्रैक्टिव अगर मेरा 3/4 होता तो भी, बट फोटोग्राफर ने ये चीजें सुनी नहीं, उसने सुनी नहीं, ही वाज जस्ट अवॉइडिंग इट। He came over and took my head in his hand. उसने ऐसे करके किया। Then he twisted it sideways. उसने फिर क्या किया? उसको ऐसे करके twist कर दिया। I thought he meant to kiss me and I closed my eyes. और मुझे लगा कि वो मुझे किस करने जा रहे हैं और मैंने अपनी आईज को ऐसे करके क्लोज कर दिया। उसने ऐसे करके ट्विस्ट किया। But I was wrong. पर मैं गलत था। He twisted my face as far as it would go and then stood looking at me. और उसके बाद ये ऐसे करके भी हो सकता है, ठीक है, twist like this also. तो बोल रहा है कि जितना वो हो सकता था, जितना वो घूम सकता था, उसने मेरा face उतना घुमाया, और उसके बाद then stood looking at me, और उसके बाद वो रुक के वहीं पर मुझे देखने लगा। He sighed again. फिर उसने सांस ली। I don't like the head. अब वो कहता है, अब देखो वो दूसरा कमेंट करता है, वो कहता है मुझे तो हेड भी नहीं पसंद आ रहा है। Then he went back to the machine and took another look. फिर वो मशीन में गया, फिर उसने दोबारा से देखा मुझे उस मशीन से। Open the mouth a little, he said. उसने बोला कि थोड़ा सा अपना माउथ ओपन करो। I started to do so. तो उसने तुरंत बोला अच्छा ठीक है बंद कर दो, क्लोज इट। Then he looked again. फिर उसने मुझे फिर से देखा। The ears are bad. उसने कहा the ears हैं वो थोड़े से बुरे हैं। Droop them a little more. थोड़ा सा उनको और नीचे झुकाओ। पता नहीं ears कैसे झुकते हैं, I don't know. Thank you. Now the eyes. Roll them under the eyelids. अब उनको गोल गोल ऐसे ऐसे करके घुमाओ eyelids के अंदर।
पुट द हैंड्स ऑन द नीज, आपने जो हैंड्स है उनको ऐसे नीज पर रखो प्लीज, एंड टर्न द फेस जस्ट अ लिटिल अपवर्ड, अपने फेस को थोड़ा सा और ऊपर ऐसे करके घुमाओ. यस दैट्स बेटर. ओ नाउ इट इज गुड. नाउ जस्ट एक्सपैंड द लंग्स. अब एकदम गहरी सांस लो, डीप ब्रीथ जिसे कहते हैं, तो उस गहरी सांस लो. हम्प द नेक, अब ऐसे करके रुको, लेट मी शो यू व्हाट हम्प इज. ये देखो ये वाली कुछ मशीन बड़ी सी, जिसके अंदर वो बार बार जा करके यहां से झांक रहा था कि फोटो वाला फेस कैसा लगेगा. ठीक है, दिस इज हम्प. जब आप ऐसे करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा एक फैट जैसा जग जाता है, या कुछ लोगों के बाद में उमड़ के आता है. तो वो कह रहा है कि बस अपनी जो नेक है वो थोड़ी सी पीछे की तरफ करो, और ये जो फेस है इसको थोड़ा सा आगे करो. एंड हम द नेक, दैट्स इट. जस्ट कॉन्ट्रैक्ट द वेस्ट, और वेस्ट को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करो. ट्विस्ट द हिप अप टूवर्ड्स द एल्बो नाउ, और थोड़ा सा हिप्स को एल्बोज की तरफ ट्विस्ट करो. मतलब ऐसे पोस्चर में बैठो कि थोड़ा सा वो साइड में जाए. ओके, फिर नेक्स्ट. आई स्टिल डोंट क्वाइट लाइक द फेस, इट्स स्टिल जस्ट अ लिटिल अ ट्रिफल टू फुल. तो वो कह रहा है, फिर वो कहता है, फोटोग्राफर कहता है कि अभी भी मुझे तुम्हारा फेस पसंद नहीं आ रहा है. इट्स जस्ट अ ट्रिफल टू फुल, इनसिग्निफिकेंटली ओवर है तुम्हारा फेस, बहुत बड़ा है ये, थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए था. एक्सेस में बड़ा है, इनसिग्निफिकेंटली बड़ा है. आई स्वंग माई सेल्फ राउंड ऑन द स्टूल, मैं थोड़ा सा स्विंग किया, थोड़ा सा घूमा खड़े होने के लिए. स्टॉप, आई सेड विद इमोशन बट आई थिंक विद डिग्निटी. अब मैं खड़ा हुआ और मैंने उसको इमोशंस बट डिग्निटी के साथ मैंने उसको बोला. मतलब होता है ना इंसान, जस्ट बिकॉज की एवरी टाइम फोटोग्राफर इज कॉमेंटिंग हिम, तो वो भी पलट के जवाब देगा. This face, now this is also important. वो कहता है, this face is my face. It's not yours. It is mine. ये मेरा face है. ये तुम्हारा face नहीं है. ये मेरा face है. मैं इस face के साथ 40 years रहा हूँ. And I know its faults. मुझे इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ पता है. I know it's out of drawing. कि ये this is not something to be drawn. I know it wasn't made for me. मुझे पता है कि ये शायद मेरी body के साथ fit भी नहीं होता होगा. बट ये मेरा फेस है, आई द ओनली वन आई हैव, एंड दिस इज द ओनली फेस आई हैव. आई वॉज कॉन्शियस ऑफ अ ब्रेक इन माई वॉइस बट देन आई वेंट ऑन. मैं थोड़ा सा हल्का सा घबरा रहा था, जो मेरी आवाज एक होता है ना, इंसान कुछ बोलने जा रहा होता है तो हल्का सा वो हेजिटेट होता है. बट फिर भी उसने बोला, सच एज इट इज आई हैव लर्नड टू लव इट. वो जैसा भी है, आई हैव लर्नड टू लव दिस फेस. And this is my mouth. This is not yours. This is my mouth. This is not your mouth. These ears are mine. And if your machine is too narrow, अगर तुम्हारी मशीन बहुत नैरो है, जो मेरे इतने बड़े से फेस को नहीं लेकर के आप आ रही है. Here I started to rise from the seat. जैसे ही वो ट्विस्ट किया, वो उठने के लिए ट्विस्ट हुआ, तो बस वो उठने ही जा रहा था. Suddenly he says as a snake. Wait. Here it is a small a click. साउंड आप कह सकते हो यहां पर. ठीक है, सडनली द पिक्चर वॉज टेकन. तो फोटोग्राफर कहता है, द फोटोग्राफर हैड पुल्ड अ स्ट्रिंग. पुल्ड अ स्ट्रिंग, एक डोरी जैसे उसने खींची हो. मतलब मशीन जो इतनी बड़ी मशीन है वो ऐसे करके एक टैप से नहीं चलती होगी ना, जो अभी के फोटोज और डीएसएलआर चलते. तो वहां पर सम सॉर्ट ऑफ डोरी और समथिंग वुड बी देयर. तो फोटोग्राफ वॉज टेकन, उसी का ही ये जो है साउंड था. आई कुड सी द मशीन स्टिल स्टैगरिंग फ्रॉम द शॉक. द मशीन वॉज स्टिल एस्टोनिश्ड, शॉक्ड में थी वो कि ओ ये फोटो लिए उसने. आई थिंक सेड द फोटोग्राफर पर्सिंग हिज लिप्स इन अ प्लीज्ड स्माइल, ऐसे करके प्लीज्ड स्माइल के साथ क्लोजिंग हिज लिप्स लाइक दिस, सम सॉर्ट ऑफ डिसअप्रूवल जैसा आप कह सकते हो कि पर्सन इज नॉट लाइकिंग इट, ऐसे करके. ठीक है, तो द फोटोग्राफर पर्सिंग हिज लिप्स इन अ प्लीज्ड स्माइल, एक प्लीजिंग स्माइल वो दे करके, मुंह बंद करके वो बोल रहा था.
दैट आई कॉट द फीचर्स, मुझे ऐसा लगता है आई थिंक से शुरू हुआ है ये, आई दैट आई कॉट द फीचर्स जस्ट इन अ मोमेंट ऑफ एनिमेशन. एक सडन कोई एक्सप्रेशन होगा और बस मैंने उसी में तुम्हारी फोटोज ले ली, जस्ट इन टाइम उसी मोमेंट पे उसी सेम एक्सप्रेशन के साथ मैंने तुम्हारी फोटोज ले ली, एक अचानक से पिक्चर ले ली. सो आई सेड बाइटिंगली, तो मैंने उसको बोला अनप्लीजेंटली, मीन्स आई वॉज नॉट हैप्पी. फीचर्स, यू डिडंट थिंक आई कुड एनिमेट देम, तुमको लगा कि मैं उस चीज को एनिमेट नहीं कर सकता जो तुमने इतना कैंडिड ले ली है चीजें, आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है. बट लेट मी सी द पिक्चर, तो मुझे वो पिक्चर जो है दिखा दो तुम. तो फोटोग्राफर कहता है ओ देयर इज नथिंग टू सी इट येट, वो कहता है कि कुछ भी इसमें ऐसा नहीं कि तुम इसको देखो. ओ देयर इज नथिंग टू सी येट, कुछ ऐसा है नहीं. आई हैव टू डेवलप द नेगेटिव फर्स्ट. एक उसने फोटो ले ली, दिखाया भी नहीं, और उसने बोला कि ठीक है तुम जब नेगेटिव बन जाएंगे तो तुम सैटरडे को आना और मैं तुम्हें ये जो फोटो है ये दिखा दूंगा. ऑन सैटरडे आई वेंट बैक, अब मैं वापस से सैटरडे को उसके पास गया. ठीक है, द फोटोग्राफर बिकंड मी, उसने मुझे बुलाया. आई थॉट ही सीम्ड क्वाइटर एंड ग्रेवर दैन बिफोर, और वो थोड़ा सा सीरियस टोन में लग रहा था एज कम्पेयर टू वट ही हैड बीन जब मैं उससे पहले मिला था. आई थिंक टू देर वॉज अ सर्टेन प्राइड इन हिज मैन, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही प्राउडली बिहेव कर रहा है एज इफ उसने बहुत बड़ा तोप वाला काम किया हो. He unfolded the proof of a large photograph, जो बड़ी सी फोटोग्राफ मैंने निकाली थी, बनवाई थी, उसका प्रूफ उसने निकाला. We both looked at it in silence, और हम दोनों उसी फोटो को साइलेंस में देख रहे थे. मैंने पूछा Is it me? क्या ये मैं हूं? उसने कहा Yes. He said quietly, It is you. And we went on looking at it. उसने कहा हाँ ये तुम हो, और हम दोनों उसको ऐसे करके देख रहे थे. The eyes, I said hesitatingly, मैं थोड़ा सा घबराते हिचकिचाते हुए मैं उससे बोला इसकी आईज देखो, डोंट लुक वेरी मच लाइक माइन, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये मेरी आईज है. ओ नो ही आंसर्ड, आई हैव रीटच देम, मैंने उसमें थोड़ा सा रीटच किया है. फिल्टर्स में देखोगे आईज को कभी ऐसे बना देंगे, कभी ऐसे बना देंगे, कभी और थोड़ा सा बड़ा बना देंगे. ठीक है, तो दिस इज वॉट कैमरा इज, दे कम आउट स्प्लेंडिडिंगली, स्प्लेंडेड, वैसे स्प्लेंडेड इज वेरी गुड, यहां पर इट कुड बी टेकन एज इम्प्रेसिवली गुड या इम्प्रेसिवली नाइस, इम्प्रेसिवली ब्यूटिफुल, इम्प्रेसिवली हैंडसम. दे कम आउट स्प्लेंडिडली, डोंट दे, तो फोटोग्राफर कहता है कि हाँ मैंने उसको रीटच किया है, फिल्टर किया है, चेंज किया है थोड़ा सा, थोड़ा सा उसको टचअप किया है, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये तो बहुत सुंदरता से बाहर उभर कर आई है, तुम्हें नहीं लगता? तो वो कहता है कि फाइन बट श्योरली माय आईब्रोज आर नॉट लाइक दैट, वो कहता है कि ठीक है बट मेरी आईब्रोज तो ऐसी नहीं है. नो सेड द फोटोग्राफर, उसने कहा कि नहीं. फोटोग्राफर ने एक मोमेंट्री ग्लांस दिया मेरे फेस पे, मुझे ऐसे एक एक नजर उसने देखा, फिर उसने बोला द आईब्रोज आर रिमूव्ड, तुम्हारी जो आईब्रोज हैं जिस प्लेस पे वो थी वहां से उसको बिल्कुल रिमूव कर दिया है. वी हैव अ प्रोसेस नाउ द डेल्फाइड, प्लीज लर्न दिस टर्म, पूछा जा सकता है, फॉर पुटिंग न्यू वंस, न्यू वंस जहां पर आप न्यू फीचर्स को ऐड करते हो. ठीक है, तो एक इनके पास कोई कह सकते हो प्रोसेस होगा, तरीका होगा, प्रक्रिया होगी जिसके थ्रू, दैट इज नोन एज डेल्फाइड, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, वो नए नए फीचर्स को लेकर आते हैं. कोई प्लेस, जगह कोई सी प्लेस पे नहीं है तो उसको दूसरी एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह पर लेकर आते हैं. यू विल नोटिस हेयर वेयर वी हैव अप्लाइड इट टू कैरी द हेयर अवे फ्रॉम द ब्रो, तुम इसको देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि हम लोग ने इसको कैरी किया हुआ है अपवर्ड्स फ्रॉम हेयर, टू कैरी द हेयर अवे फ्रॉम द ब्रो, थोड़ा सा यहाँ से हटाई गई है. आई डोंट लाइक द हेयर लो ऑन द स्कल, हेड पे बहुत नीचे मुझे आईब्रोज नहीं पसंद है. तो उसने क्या किया है, आईब्रोज को थोड़ा सा ऊपर अपलिफ्ट किया है. तो उसने बोला ओ यू डोंट, डोंट यू, आई सेड, तो उसने कहा, फोटोग्राफर ने कहा ना, आई डोंट लाइक द हेयर लो ऑन द स्कल, मुझे फेस पर आईब्रोज बहुत नीचे नहीं पसंद है. तो यहाँ पर
जो ऑथर है चिढ़ करके बोलता है थोड़ा, ओ तो तुम्हें नहीं पसंद है ना तुम्हें। तो फिर वो कहता है नो, फोटोग्राफर कहता है नहीं, ही वेंट ऑन, आई डोंट केयर फॉर इट। तो फोटोग्राफर कहता है कि मुझे इस सब चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आई लाइक टू गेट द हेयर क्लियर बैक टू द सुपरफिसीज एंड मेक आउट अ न्यू ग्रो लाइन। तो मैंने क्या किया, मुझे इतना फर्क इससे नहीं पड़ता है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां से क्लीन किया टू द सुपरफिसीज में, टू द सर्फिस, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा न्यू आईब्रो लाइन बनाई। फिर वो पूछता है, नाउ ही इज टोटली अनॉयड, जो ऑथर है वो बहुत ज्यादा चिढ़ गया है। वो बोलता है व्हाट अबाउट द माउथ, और मुंह भी तुमने क्या किया है। आई सेड विद अ बिटरनेस दैट वाज लॉस्ट ऑन द फोटोग्राफर, इज दैट माइन। और मैं उतना ही चिढ़ करके उससे बोल रहा था जो कि फोटोग्राफर पे पूरी तरीके से खो चुका था, बिकॉज आई वाज बैडली अनॉयड। तो ये मेरा माउथ है, उसने पूछा। तो वो कहता है इट्स, वो थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट किया गया है, योर्स टू लो, आई फाउंड आई कुडंट यूज इट। तुम्हारा जो माउथ है वो बहुत ज्यादा नीचे था, तो मुझे पता चला कि मैं उसको थोड़ा बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकता था। थोड़ा बहुत मैंने उसको चेंज किया है, अ लिटिल, ठीक है। द इयर्स दो आई सेड स्ट्राइक मी एज अ गुड लाइकनेस, दे आर जस्ट लाइक माइन। तो उसने, ये कौन बोलता है, ऑथर ही कहता है कि तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया है, बस एक चीज तुमने सही रखी है, ईयर जो उतने ही दिख रहे हैं जितने कि एक्चुअल में मेरे हैं। फोटोग्राफर कहता है यस, फोटोग्राफर सेड थॉटफुली दैट सो, पर मैं उसको फिक्स कर सकता हूँ ऑल राइट इन द प्रिंट। अगर तुम्हें वो भी नहीं समझ में आ रहे तो मैं उसको प्रिंटिंग में सही कर सकता हूँ। हम लोग के पास एक प्रोसेस है सेल्फाइड, जिससे हम लोग ईयर्स को पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर वो गुस्सा हुआ, कौन गुस्सा हुआ, ऑथर। ऑथर यहाँ पर कहता है, ठीक है, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उसके लास्ट ही वर्ड्स हैं। तो वो कहता है लिसन, सुनो, आई इंटरप्टेड ड्रॉइंग माई सेल्फ अप एंड एनिमेटिंग माई फीचर्स टू द फुल एक्सटेंट एंड स्पीकिंग विद अ विदरिंग स्कॉर्न दैट शुड हैव ब्लास्टेड द मैन ऑन द स्पॉट। मैं वहां पर ऐसे बोल रहा था, इतने गुस्से से, इतना चिढ़ करके बोल रहा था, ब्रिंगिंग ऑल माई एक्सप्रेशन, ड्रॉइंग अप माई सेल्फ, गेटिंग अप, ब्रिंगिंग ऑल माई एनिमेटिंग माई फीचर्स, ऐसे करके अपने एक्सप्रेशन पूरे इच्छा शक्ति के साथ लेकर आ रहा था। स्पीकिंग विद अ विदरिंग स्कॉर्न, एक हार्श, सूखा, चिढ़ा हुआ स्कॉर्न, डिसअप्रूवल, अनप्लीजेंट फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, इतनी चिढ़ करके कि जो मैन है सामने वो ब्लास्ट हो जाता ऑन द स्पॉट। मतलब कि इतना स्पोक, मैं इतना हेट्रेड चिढ़ करके बोल रहा था कि जो पर्सन वो उसको अपनी मिस्टेक जो है वो रियलाइज हो जाती। यहां से इज व्हाट एक्चुअल उसकी स्पीच शुरू होती है। वो कहते हैं सुनो, आई केम हेयर फॉर अ फोटोग्राफ, एक पिक्चर, समथिंग विच मैड दो इट सीम्स, भले ही वो बहुत बेकार पिक्चर लग रही हो, पर कुछ ऐसा जो मेरे जैसी ही लगती। आई वॉन्टेड समथिंग दैट वुड डिपिक्ट माई फेस, कुछ ऐसा जो मेरे फेस की टू कॉपी हो, जैसा कि हेवन ने मुझे बनाया है, गॉड ने बनाया है। हम्बल दो द गिफ्ट हैव बीन, भले ही वो गिफ्ट बहुत हम्बल हो, बहुत नॉर्मल हो, डाउन टू अर्थ हो, लो क्वालिटी हो, इनसिग्निफिकेंट हो, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर ना हो, जैसा भी हो, गॉड ने मुझे जैसा बनाया है उसी के जैसा ही बस बनाना था तुम्हें मुझे। आई वॉन्टेड, और ये मैं क्यों चाहता था, दिस कुड बी आस्क्ड एज रीजंस, कि ये मैं अपने फ्रेंड्स को देना चाहता था, सो दैट दे कैन कीप इट आफ्टर माई डेथ, सो दैट दे कैन रिकनसाइल, टू रिकनसाइल देम माई लॉस, कि मेरी कमी उन्हें महसूस ना हो, इसी के लिए मैं उस चीज को रिकनसाइल करके उसको कॉम्पनसेट करना चाहता था, हर जाने की जैसे उसको कवर अप करना चाहता था। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं उनको अपनी जैसी एक फोटो दे दूंगा। इट सीम्स लाइक दैट आई वॉज मिस्टेकन, पर मुझे ऐसे लग रहा था, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से गलती हो गई है,
वॉट आई वॉन्टेड इज नो लॉन्गर डन, जो मुझे एक्चुअल में चाहिए था ये चीज हुई नहीं है यहाँ पे। गो ऑन, करो तुम अपना ये सब जो काम कर रहे हो विद योर ब्रूटल वर्क, योर क्रूअल वर्क ऑफ एडिंग फिल्टर्स टू समवन्स पिक्चर, भले उस इंसान को वो चीज नहीं पसंद हो। जिनको पसंद है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पसंद है यू डोंट डू दैट विद देम। अपना ये जो ब्रूटल वर्क है करो, लगे रहो अपने उस काम में। टेक योर नेगेटिव और वॉट एवर इट इज कॉल्ड इट, इस नेगेटिव को रखो अपने पास, डिप इट इन सल्फाइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, काउहाइड, वॉट एवर जो भी नाम तुम्हें मिल रहा है, ठीक है, उसमें उसको रखो। आईज रिमूव करो, माउथ को करेक्ट करो, फेस को एडजस्ट करो, रीस्टोर करो लिप्स को, रीएनिमेट करो नेक टाइप को। यहाँ पर वो इसके लिए बोल रहा है। अच्छा, दिस इज कॉल्ड बीकनिंग, ओके, ऐसे करके बुलाना है, इज कॉल्ड बीकनिंग। नेक टाइप को रीएनिमेट को बनाओ इसको फिर से। तो वो यहाँ पर एक एक चीज करके बता रहा है, वो क्या कह रहा है, नेक टाई को रिकंस्ट्रक्ट करो वेस्ट कोस्ट को, और उसी को ही, जब तुमने ये टाई बना ली है, जब तुमने कोस्ट, ये वेस्ट कोट बना लिया है, तो उसको एक कोट कर दो, उसके ऊपर एक पॉलिश चढ़ा दो ग्लॉस की, शेड कर दो उसको, एम्बॉस कर दो उसको, गिल्ड कर दो उसको, टिल इवन यू एक्नॉलेज दैट इट इज फिनिश्ड। तब तक, जब तक तुमको समझ ना आ जाए कि तुम उसको फिनिश कर चुके हो, तुमने अपना एक मास्टरपीस बना लिया है। ओके, व्हाट डज इट मीन, ये होता है वेस्ट कोस्ट। टाई बना लो, नेक टाई को सही कर लो, इसको रिकंस्ट्रक्ट कर लो, फिर से बना लो इसको, एम्बॉस कर दो। एम्बॉस करना मतलब कि कुछ भी मटेरियल है उसको तुम ऊपर उभार देना इज एम्बॉसिंग, एंड डीबॉसिंग इज उसको नीचे, कुछ आपने देखे होंगे टी शर्ट्स या कुछ होगी उसमें कुछ प्रिंट जो होती है वो उभरी हुई होती है, दैट इज एम्बॉस। ओके, ये उसका एग्जाम्पल है, दिस इज एम्बॉस, उठा हुआ है, और ये आप देखोगे कि जो सरफेस एरिया उससे हल्का सा डाउन होता है, दैट इज डिबॉसिंग। फिर ये होता है गिल्ड, गिल्ड मतलब उसको गोल्ड की पॉलिश उसके ऊपर चढ़ा दो, ग्लॉस कर दो, शाइन लगा दो, और गोल्ड की पॉलिश उसके ऊपर चढ़ा दो, दैट इज गिल्ड। टू कवर समथिंग विद अ थिन लेयर ऑफ गोल्ड, टिल इवन यू एक्नॉलेज, तब तक वो काम करो जब तक तुम क्या कर पाओ उसको फिनिश, तब तक जब तक तुमको ना लगे कि तुमने अपने फोटोग्राफ का एक मास्टरपीस बना लिया, तब तक तुम ये सब चीजें करो। देन उसके बाद व्हेन यू हैव डन ऑल दैट, कीप इट फॉर योरसेल्फ एंड योर फ्रेंड्स। तो तब तक तुम उसको अपने और अपने दोस्तों के लिए रखो, दे मे वैल्यू इट, तुम उसको रखना, वो लेकर के नहीं जाता ना अपनी फोटोग्राफ को, कहते तुम इसको रख लो और यही करो उसके साथ, तुम दे मे वैल्यू इट, तुम्हारे फ्रेंड्स इसको बहुत वैल्यू करेंगे। मेरे लिए ये एक वर्थलेस बॉबल है, एक इनएक्सपेंसिव पीस ऑफ ज्वेलरी जिसकी कोई भी आर्टिस्टिक वैल्यू नहीं है। मेरे लिए ये एक बेकार सी चीज है, वर्थलेस ज्वेलरी है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। एंड ही ब्रोक इनटू टीयर्स एंड लेफ्ट, और वो वहां से रोते हुए चला गया। ठीक है, तो इनसिग्निफिकेंट बिहेवियर, इन मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, ये सब चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं इस स्टोरी में। तो व्हाट व्हाई एंड व्हाई द ऑथर ब्रोक इनटू टीयर्स एंड लेफ्ट, क्योंकि उसको ये पता था कि व्हाट गॉड, हाउ गॉड हैज क्रिएटेड इट, वो पर्पस वहां उसका फुलफिल नहीं हो पाया, उसको जो पिक्चर चाहिए थी अपने लिए वो वहां फुलफिल नहीं हो पाई। ही फेल्ट हर्ट कि जो फोटोग्राफर है उसने उसको वैसे नहीं बनाया जैसे वो एक्चुअल में था, और जो बना इट वॉज ऑफ नो यूज टू द ऑथर इटसेल्फ। दैट्स ऑल फॉर टूडे, ये इसकी समरी है, इसके बाद आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, एंड इफ देयर इज समथिंग यू हैव नॉट अंडरस्टूड यू कैन डू मेंशन इट इन द कॉमेंट बॉक्स, रेस्ट वी विल बी डूइंग सून, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, बेस्ट विशेज, थैंक यू।